धारणा तो यह है कि मुस्लिम भाजपा के खिलाफ मतदान करते, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक भाजपा उत्तर प्रदेश में कम से कम 8% मुस्लिम वोट हासिल करने में सफल रही है। CMDS लोकनीति अपने सर्वेक्षण के साथ सामने आई है कि 20% मुस्लिम वोटों में से समाजवादी पार्टी को लगभग 79% वोट मिले और कम से कम 8% वोट भाजपा को मिले। 2017 की तुलना में 1% की वृद्धि हुई है। और सर्वेक्षण किया गया कि समुदाय में भाजपा का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन संकेत दिया है कि यह दोनों तरफ से सहयोग से होगा। भाजपा को अपने हाव भाव में बदलाव करना चाहिए। मुस्लिम वोटों पर का भाजपा की ओर इस बदलाव का मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से मुसलमानों को उतना ही लाभ हुआ है जितना कि हिंदुओं को। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है। अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा धर्म, जाति, राष्ट्रवाद और भारत के दृष्टिकोण में एक सर्वेक्षण के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 20% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। सर्वेक्षण में कहा गया कि 5 में से 1 मुस्लिम ने भाजपा को वोट दिया। 2019 में सर्वेक्षण में कहा गया कि 14% समर्थन दिया जब, और 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले समुदाय से सवाल किया गया कि वह मोदी सरकार को एक और कार्य के लिए समर्थन करेंगे तो 26% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 31% हिंदू उत्तरदाताओं ने कहा कि मोदी सरकार को दूसरा कार्यकाल नहीं मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से भाजपा मुसलमानों पे कुछ ज़्यादा ही आक्रमणकारी स्वभाव अपनाती है, अगर वो थोड़ा सा नरम हो जाए तो उसे मुसलमानों का भर भर के वोट मिलेगा। मगर आपको क्या लगता है अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।